अब धागों के प्रकार। धागों का प्राथमिक वर्गीकरण फिलामेंट या स्टेपल धागे हैं। ये रेशों की लंबाई पर आधारित हैं, जैसे कि पहले विचार किया गया है। सबसे पहले फिलामेंट धागे, ये लंबे सतत फिलामेंट से बनाए जाते हैं। मोनोफिलामेंट धागे एक ही फिलामेंट से बनाए जाते हैं। वे कम ऐंठन या अधिक ऐंठन वाले हो सकते हैं। अब स्टेपल धागे, स्टेपल या स्पन धागे स्टेपल रेशों से बनाए जाते हैं। छोटे होने के कारण उनको ऐंठन द्वारा एकत्र करके एक लंबा तथा सतत रेशा बनाया जाता है। धागे को उन्हें उनके गठन के आधार पर साधारण धागे तथा जटिल धागों में वर्गीकृत किया गया है। बाद वाले धागों को नॉवेल्टी धागे भी कहा जाता है। साधारण धागों का आकार एक समान तथा सतह सम होती है। वे आकार में सम तथा प्रति यूनिट लंबाई में पूरी लंबाई में एक समान होते हैं। फैंसी धागों का गठन अनियमित होता है। साधारणतः धागों का वर्गीकरण धागों की गिनती के आधार पर होता है, जैसे सिंगल प्लाई या कोर्ड धागे। अब सिंगल धागा, एक फिलामेंट को साधारण संग्रह या स्टेपल रेशों से बनाया जाता है। यह बुनने के लिए उपयुक्त होता है। अब प्लाई धागे, जब दो या दो से अधिक धागों को परस्पर ऐंठा जाता है उनको प्लाई धागे कहते हैं। उनको दो प्लाई, तीन प्लाई, चार प्लाई आदि के नाम से जाना जाता है। प्लाई धागे एक मशीन द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे डबलिंग मशीन या डबलर कहते हैं। सिलाई के सभी धागे प्लाई धागों से बनते हैं। सिंगल धागों को ऐंठन देकर अधिक मजबूत तथा सम धागा बनाया जा सकता है। अब कोर्ड धागे, जब दो या अधिक प्लाई वाले धागों को एक साथ ऐंठन दी जाती है तो परिणाम कोर्ड यार्न होता है। ये धागे कड़े, मजबूत तथा शक्तिशाली होते हैं। कोर्ड यार्न रबड़ टायरों को मजबूत बनाने तथा रस्सी बनाने के काम में प्रयुक्त होता है। धागों की उपरोक्त प्रकारों के अतिरिक्त बहुत से धागे हैं, जैसे टेक्सचर्ड धागे। इस पाठ में बाद में अध्ययन किया जाएगा।